एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि रफ्तार मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाता बल्कि खबरों का असर होता है और इस पर भी हमारी पैनी नज़र होती है। कुशीनगर से हमने पिछले दिनों एक रिपोर्ट दिखाई थी कैसे संयुक्त जिला अस्पताल में बाहर की दवाइयां लिखी जा रही थी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है और अब पूरे मामले में बाहर से लिखी जाने वाली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीएमओ को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इधर जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर भी मंत्री ने नाराजगी जताई है और कार्रवाई की बात कही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गोरखपुर से सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े हुए। जी प्रदीप, कुछ दिनों पहले हमने एक प्रमुखता से खबर दिखाई थी जहां पर एक सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था को प्रमुखता से दिखाया था, अब उसका उस खबर का असर भी हो चुका है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? महज 3 दिन पहले रफ्तार मीडिया की टीम ने कुशीनगर जिला अस्पताल का विजिट किया था और वहां पर जो अव्यवस्थाएं थी उनको लेकर हमने बहुत ही विभागी के साथ उस खबर को चलाया था और चैनल प्रमुखता के साथ उस खबर को दिखाया था। उसके बाद उस खबर को का जो लिंक था उसको जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने देखा और उस पे उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए जो है सीएमओ को निर्देशित किया है कि जो भी दवाएं बाहर की लिखी जा रही हैं ऐसे जो डॉक्टर हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो और इसके अलावा जो अव्यवस्थाएं हैं जो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि गंदगी को मैंने दिखाया है किस तरह से जो डॉक्टर ओपीडी में बैठ रहे हैं उनका जो केबिन है वो गंदा है तो इन सब चीजों को लेके उन्होंने निर्देशित किया है कि एक हफ्ते के अंदर जो है सीएमओ रिपोर्ट पेश करेंगे अन्यथा बड़ी और कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। तो एक तरह से फिर से रफ्तार मीडिया की खबर का असर होता हुआ दिखाई दिया है कुशीनगर में। जी प्रदीप, हम ये जानना चाहेंगे कि जो इसमें इस काम में जो जिनकी मिली भगत थी जो डॉक्टर इसमें शामिल थे उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है सीएमओ की तरफ से? देखिए, अभी सीएमओ को आज स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देशित किया है और सीएमओ ने उन सभी डॉक्टरों को तलब किया है। उम्मीद है कि आज रात तक जो है उसमें से कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनका निलंबन होना तय है और कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जो है देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि देखिए कुशीनगर जिला जो है अपने आप में बड़ा पोटेंशियल जिला है। वहां पर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू करवाया गया था और तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायतों के बाद रफ्तार मीडिया की टीम वहां पहुंची और बहुत ही प्रमुखता के साथ उस खबर को कवर किया। हालांकि कवरेज के दौरान एक दो जो मेडिकल माफिया थे उनसे जो है धमकी भी मिली थी लेकिन इसकी परवाह बिना किए इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया गया और उसका असर आज ये हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया है और अब जो है कार्रवाई होनी तय है। अभी आज उन्होंने आदेश दिया है, निर्देशित किया है, आज रात में कभी भी कार्रवाई हो सकती है। जी प्रदीप, अगर हम दूसरे अस्पतालों की बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि लगभग अधिक से अधिक सरकारी अस्पतालों का लगभग यही हाल है, तो जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी उनके तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए उनके लिए? देखिए, अगर हम बात करें गोरखपुर मंडल में जो 4-5 जिले आते हैं, इन 4-5 जिलों में अभी एक एक करके जो रफ्तार मीडिया की टीम है वो रियलिटी चेक कर रही है। अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं करीब करीब ठीक होने के कगार पे हैं लेकिन करीब करीब सभी जगह यही शिकायतें आ रही हैं कि जो डॉक्टर हैं वो अंदर से बाहर का पर्चा लिखते हैं, पैरासिटामॉल जैसी दवाएं जो अंदर बहुत ही इजीली मिल जाती हैं उनके लिए भी बाहर जन औषधि केंद्र पे भेजा जाता है। तो इन सब चीजों पे प्रतिबंध लग रहा है धीरे धीरे और उम्मीद है कि आने वाले महीने दिन के अंदर गोरखपुर मंडल में पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा। जी प्रदीप, आपने फिलहाल जो खबर भेजी उस पर असर भी दिखा, ये तो खुशी की बात है। फिलहाल आप और भी नजर बनाए रखें ताकि हम उन अव्यवस्थाओं को दिखाते रहें और उस पर असर होता रहे। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।